क्या आपको पता है इंडिया में ज्यादातर लोग कितने बजट का स्मार्टफोन खरीदना पसंद करते हैं? नहीं। So, इसका आंसर है 10,000। वैसे सुनने में ये सब अजीब लग रहा होगा बट ये सच है क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी मार्केट एनालाइज किया है वहाँ पर मैंने ये देखा है कि लोग 10,000 के नीचे एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन ढूंढते हैं। बात सही है कि भैया हमें तो ज्यादा महंगा स्मार्टफोन नहीं चाहिए, बस बात हो जाए। वो अलग बात है कि खरीद लेने के बाद ज्यादातर लोग फोन में ही लगे रहते हैं। जो का पार्ट आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो 10,000 के नीचे एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जिसका रिफ्रेश रेट, कैमरा प्लस परफॉर्मेंस बढ़िया निकल कर आए। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं जो 10,000 के नीचे मिल रहे हैं लेकिन ये लावा का युवा 3 मुझे उन सभी से बेटर लगा, इसीलिए मैंने इसे मंगवा लिया। चलिए फिर इस फोन को अनबॉक्स करते हैं एंड बताते हैं आपको इसके कुछ कमाल के फीचर्स। ऑलराइट दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा लावा अपने स्मार्टफोन्स के साथ फ्री होम सर्विस देता है जिसे मैं आने वाली वीडियोस में चेक भी करूंगा कि रियलिटी में एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं। बाकी जैसे ही बॉक्स ओपन होता है यहाँ सबसे पहले हमें देखने को मिलता है ये TPU ट्रांसपेरेंट केस जिसकी क्वालिटी मुझे स्मार्टफोन के प्राइस को देखते हुए ठीक लगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। इवन ये केस स्मार्टफोन के साथ परफेक्टली फिक्स हो जाता है। देन बॉक्स में नेक्स्ट डे में मिल जाता है स्मार्टफोन जिसे फिलहाल हम साइड में रख लेते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है ये फ्री होम सर्विस का कार्ड और ये चार्जिंग केबल एंड 18 वोल्ट की एक बड़ी ब्रेक जो एक घंटे के अराउंड आपके स्मार्टफोन को चार्ज कर देगी। इसके बाद ये छोटू सा सिम इजेक्टर टूल भी मिल जाता है। बाय द वे, फिलहाल स्मार्टफोन को कवरिंग से बाहर निकालते हैं एंड जस्ट लुक एट द फर्स्ट लुक ऑफ दिस फोन जिसका बैक लुक देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चलता फिरता 15 प्रो मैक्स है, बट पर्सनली लुक्स एंड डिजाइन के मामले में मुझे ऐसा लगा। नेक्स्ट जल्दी पोर्ट्स एंड बटन्स की बात कर लेते हैं। सो इस वाली साइड पर एक स्पीकर ग्रिल दी गई है, वही मिडल में सी टाइप पोर्ट और एक माइक्रोफोन वेंट, देन आपके सॉन्ग्स वगैरह सुनने के लिए एक ईयरफोन जैक भी मिल जाता है। आगे नेक्स्ट साइड पर बढ़ते हैं। सो इस वाली साइड पर हमें सिम इजेक्टर टूल दिया गया है जो 4G बैंड्स को सपोर्ट करता है। वहीं वॉल्यूम वगैरह को एडजस्ट करने के लिए इस वाली साइड पर वॉल्यूम बटन्स भी दिए गए हैं। अब अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो इसका जो बैक पैनल है वो पूरे मैट फिनिशिंग के साथ आता है लेकिन इसका बैक पैनल मेटेलिक नहीं है, प्लास्टिक बॉडी है। मींस बिल्ड क्वालिटी में ज्यादा सॉलिड नहीं कहना चाहूंगा लेकिन लुक्स वाइज ये फोन बहुत ही प्रीमियम है। और आपको एक एडवाइस भी देना चाहूंगा कि ये एक बजटेड फोन है सो प्लीज इसे पानी से दूर ही रखना क्योंकि मेरे हिसाब से इस फोन की IP रेटिंग जस्टिफाई नहीं की गई। ऑलराइट दोस्तों, अब गौर कर लेते हैं इसके साथ आने वाली डिस्प्ले की। सो मैं आपको बता दूं कि इस फोन के साथ 6.5 इंचेस का एक पंच होल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है जो मेरे हिसाब से 6,000 से 7,000 की रेंज में आने वाले स्मार्टफोन्स के लिए सफिशियंट है। बाय द वे, इसके डिस्प्ले कॉर्नर्स पर आपको कुछ इतने मोटे बेजल्स देखने को मिलेंगे जिनके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा, बट कुछ भी कहो जिस प्राइस रेंज में ये फोन आ रहा है उस हिसाब से मुझे इसकी कलर विजुअलिटी काफी बेटर लगी अदर स्मार्टफोन से जो इसकी रेंज में आ रहे हैं। वो अलग बात है कि 6,000 का स्मार्टफोन है तो कलर डिटेलिंग आपको डीप नहीं मिलेगी लेकिन जितनी भी दी जा रही है वो मेरे हिसाब से बेटर है। नेक्स्टली रिफ्रेश रेट मुझे इस फोन का सबसे बेटर पार्ट लगा क्योंकि यार इस फोन के साथ 90Hz का स्मूथ रिफ्रेश रेट दिया गया है। इवन यार किसी भी टाइप की हॉट एप्स वगैरह इस फोन के साथ नहीं मिलती। बाय द वे, अब इसके 90Hz के रिफ्रेश रेट को चेक कर लेते हैं जिसके लिए मैं एक साथ बहुत सारी एप्लीकेशंस इस फोन में रन करूंगा और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि इतनी एप्लीकेशन चलाने के बाद भी क्या ये फोन अच्छे से काम करेगा या फिर नहीं। फाइनली भाई, इतनी ऐप चलाने के बाद भी मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि इस फोन में किसी भी टैब का लैगिंग इशू था। प्लस अगर मैं इन सभी रनिंग एप्लीकेशंस में से किसी एक को ओपन भी कर देता हूं तो वो भी इजीली ओपन हो जाती है। मींस इस फोन का जो 90Hz का रिफ्रेश रेट है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। वैसे दोस्तों बेसिक चीजों की तो बात हो चुकी है लेकिन अब गौर कर लेते हैं इसके प्रोसेसर पर जो कि यूनिसॉक का T616 प्रोसेसर है जो सिंपली कहा जाए तो उतना पावरफुल नहीं है क्योंकि इस फोन का एंटूटू बेंचमार्क 2.5 लाख के अराउंड निकल कर आया। बट इंडिया में अभी भी ऐसी बहुत सी जनता है जो 10,000 के नीचे एक कॉम्पैक्ट गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढती है। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि इस फोन में आप BGMI खेलोगे तो आप गलत हो क्योंकि पहली बात जायरोस्कोप इस फोन में काम नहीं करता, सेकंड गेम खेलते वक्त FPS ही नहीं आते यार, अराउंड 10 से 15 FPS में कोई गेम कैसे खेल सकता है, प्लस गेम खेलते वक्त आपको लैगिंग वगैरह फेस करने को भी मिल सकती है। तो इसका मतलब तो फिर यही हुआ ना कि गेमिंग इसमें नहीं हो सकती। सो ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें आप छोटी मोटी गेम्स खेल सकते हो, ज्यादा हाई ग्राफिक की गेम्स लाइक BGMI, COD
ये नहीं चल पाएगी, क्योंकि हाई ग्राफिक गेम्स उन्हीं स्मार्टफोन्स में चलती है जिनका प्रोसेसर पावरफुल होता है, जो इस फोन का नहीं है। बिकॉज 6,000 से 7,000 के स्मार्टफोन से हमें इतनी ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक चीज मुझे अच्छी लगी कि 5,000 mAh की बड़ी बैटरी बैकअप का सपोर्ट है, प्लस ये फोन 1 से 1.5 घंटे में पूरा चार्ज हो जाता है, मीन्स इस फोन के साथ रैपिड चार्जिंग का सपोर्ट है। आगे एंड्रॉइड वर्जन की बात करें, सो एंड्रॉइड वर्जन 13 आता है, वो भी 128 GB की बड़ी स्टोरेज के साथ। वैसे 128 GB का स्टोरेज इस फोन में होना मुझे बहुत ही बेटर लगा, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि 10,000 के नीचे जो भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उनमें बस 64 GB की स्टोरेज दी जा रही है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही जल्दी फुल हो जाती है, पता भी नहीं लगता। बट इसमें 128 GB की स्टोरेज दी गई है, तो मस्त मूवीज वगैरह डाउनलोड करके एंजॉय करो। प्लस 4 GB का इनबिल्ट रैम भी मिलता है, जिसे आप चाहो तो एक्सपेंड भी कर सकते हो, जो कि मैक्सिमम 4 GB तक एक्सपेंड भी हो जाती है। बट अगर मैं आपको अंदर की बात बताऊं, तो ये जो एक्स्ट्रा 4 GB की रैम है ना, ये आपके किसी भी काम की नहीं है। नेक्स्टली, ये जो आप पूरा कैमरा मॉड्यूल देख पा रहे हो, ये काफी बड़ा लग रहा है दिखने में, और कहीं ना कहीं लुक वाइज भी ये 15 प्रो मैक्स की तरह है। बाकी आपने कुछ वीडियोस वगैरह भी देखी होगी यूट्यूब पे, जो कि नॉर्मल फोन को आईफोन बना देते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आप इस फोन को 15 प्रो मैक्स में कन्वर्ट कराओगे तो आराम से हो जाएगा। जो का पार्ट दोस्तों, इसका कैमरा मॉड्यूल बहुत ही अट्रैक्टिव है, मींस पहली बार में अगर कोई इस फोन को देखेगा तो वो सोचेगा कि भाई महंगी बातचीत है। कैमरे की बात पीछे हो ही रही थी, सो मैं आपको बता दूं कि इस फोन के साथ 13 MP का एक AI कैमरा दिया गया है, जिससे मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए हैं जो आपको सामने दिख ही रही होगी। तो सामने जो पिक्चर आप देख पा रहे हो, इसमें से पहली वाली मैंने इसके नॉर्मल कैमरे से क्लिक की है, और वहीं दूसरी वाली पोर्ट्रेट मोड से, जिन्हें मैं 10 में से 7 की रेटिंग देना चाहूंगा, क्योंकि पिक्सल्स को अगर आप थोड़ा बहुत जूम करोगे तो भाई फटते हैं। बाकी एक अच्छी बात यह है कि ये पिक्चर्स को ज्यादा गोरा नहीं करता, जो रियलिटी है वही शो करता है। इवन अगर आप इस फोन से ऑब्जेक्ट या फिर किसी डॉक्यूमेंट की पिक्चर भी क्लिक करोगे तो आराम से हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तो था इस फोन का बैक कैमरा। अब फ्रंट की बात कर लेते हैं, जो कि 5 MP का है, जिसके फ्रंट कैमरे से भी मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी होंगी, वो आपको सामने दिख भी रही होगी, जिन्हें देखने के बाद मैं यही कहना चाहूंगा कि ये एवरेजली ठीक है, उतना ज्यादा खास भी नहीं कह सकते, क्योंकि बजटेड स्मार्टफोन में कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। ऑलराइट दोस्तों, सभी कंपोनेंट्स फोन के प्राइस के रिगार्डिंग बढ़िया है, बट मेरे हिसाब से 4G के बदले 5G होना चाहिए था, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी तक कोई सा भी ऐसा स्मार्टफोन ब्रांड नहीं है जिसने 6 से 7 हजार रुपए के बीच में 5G दिया हो एक स्मार्टफोन में। बाकी अगर आप इस स्मार्टफोन को परचेज करना चाहते हो, तो इसमें भी आपको अलग अलग तरह के वेरिएंट्स मिल जाएंगे, जिनकी डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर आपको इस चैनल पर और ऐसी वीडियो चाहिए, तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।